वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ख़ातीन अरकीन असेंबली की मुलाकात। फलाह-ए-आमा के मंसूबों, ख़ातीन अरकीन असेंबली को मज़ीद बाइख्तियार बनाने के हवाले से बातचीत। वज़ीर-ए-आला ने कहा, ख़ातीन को इज़्ज़त और एहतराम, तरक्की, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ देंगे। दो रोज के वक्फे के बाद पंजाब असेंबली का इजलास आज कुछ देर में होगा। महंगाई पर आम बहस होगी। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल पेश। महकमे खजाना के मुतल्लिक सवालात होंगे। सेनेट इंतखाबात का मार्का असर करने का मिशन। जहांगीर तरीन फिर इन एक्शन। सेनेट टिकट देने के लिए बनाई गई कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी में गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर, एजाज चौधरी भी शामिल। ये करप्शन से पाकिस्तान कैसे पाक है? उनकी आके क्वांटिटी चेक कर लें, उनके क्वालिटी चेक कर लें, और जो इन्होंने उधर कब्जे जमीनों पे किए हुए हैं वो भी चेक कर लें। वो कहता है कि कब्जे छुड़वाओ, ये कब्जे कर रहे हैं, ये तो पार्टी को बदनाम करने वाली बात। बाकी जो लोग बातें कर रहे हैं ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने उदे लिए हुए हैं। वो कहा इमरान साहब के लिए, इमरान खान साहब की पार्टी, हम तो यंग लोग उन्हीं के लिए आए थे ना, आजाद इलेक्शन लड़के, हमने उन्हीं इज्जत दी है, पार्टी को इज्जत दी है, मुल्क बचाने के लिए। करप्शन बंद हो, करप्शन भी हो रही है, काम भी नहीं हो रहे। तो यंग है कौन मुझे दिखाए जरा, 60-60 साल वाले, 70-70 साल वाले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। करप्शन से पाक पाकिस्तान का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। खुरम लगारी, ख्वाजा दाऊद सुलेमानी बरस पड़े। पार्टी रहनुमाओं पर कब्जों का इल्जाम लगा दिया। तहरीक इंसाफ के हम ख्याल ग्रुप के रुकन मामून तारड़ की वजीर आला से मुलाकात। उस्मान बुज़दार पर इत्मीनान का इजहार। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के तमाम इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड की वैक्सीन से जमीर फरोशी की सियासत खत्म करेंगे। फिरदौस आशिक अवान का ऐलान। कहा, इदारों को पीडीएम के हाथों अपाहिज होने से बचाएंगे। आज भी सिलेक्टेड एम्पायर की तलाश में। फातिमा जी अपने एम्पायर खड़े करके मैच खेलने का वक्त गुजर चुका। अस्मा बुखारी का जवाब। कहा, अस्म सईद शॉर्ट सीट कमीशन से अलग हो जाएं तो बेहतर है। नया पाकिस्तान महंगा और करप्ट तरीन बन चुका। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कठपुतली राज के मुंह पर कालक बल दी। हसन मुर्तजा का तंज। कहा, आज मुल्क सिर्फ करप्शन में तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर मुखालते का शिकार। फियाजुल हसन चौहान का मुखालफीन को जवाब। कहा, अपोजिशन अपने दौर की जमा किए गए डेटा की रिपोर्ट पर लुटियां डाल रही है। वजीर आजम लीगी दौर के मंसूबों का ऐलान करने साहिवाल जा रहे हैं। एमपीए नदीम कामरान का दावा। कहा, मौजूदा हुक्मरानों की नाअहली से साहिवाल में जारी मंसूबे ठप हो गए। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हाफिज सलमान भट्ट इंतकाल कर गए। हाफिज सलमान भट्ट दो रोज से मकामी अस्पताल में जेरे इलाज थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा मंसूरा में अदा की जाएगी। आईजी की जेरे सदारत इजलास। एडिशनल आईजी इलीट, एडिशनल आईजी ऑपरेशंस की शिरकत। इनाम गनी बोले, इख्तियारात से तजावुज करने वालों की महकमे में कोई जगह नहीं। गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन का स्कैंडल। इंक्वायरी मुकम्मल। सेक्रेटरी एक्साइज ने फैसला सुना दिया। डेटा एंट्री अफसर जाहिद हुसैन नौकरी से फारिग। 19 का सालाना इंक्रीमेंट 2 साल के लिए बंद। 8 बेकसूर करार। पीपीएससी स्कैंडल, एंटी करप्शन की निशानदेही पर आसामियों पर भर्तियों का अमल रोक दिया गया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मामले की तहकीकात करने के बाद भर्तियों का फैसला करेगा। दावे बेकार। शहर की वही हालत इजार। गलियों और बाजारों में कचरे के अनबार। बागों के शहर के कई इलाकों में कूड़े के ढेर। ताफुन फैलने से मकीन परेशान।
यौम यकजहती कश्मीर मनाने की तैयारियां, वजीर कानून की जेर सदारत इजलास, डिप्टी कमिश्नर की शिरकत, राजा बिशारत बोले दुनिया को कश्मीरियों की हिमायत का मजबूत पैगाम जाना चाहिए। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जरह तमाम तकरीर, सुपीरियर स्टार एम्प्लॉयज ने गाड़ियां तकसीम, चेयरमैन चौधरी अब्दुल रहमान, एमडी चौधरी अब्दुल खालिक की शिरकत, स्टार एम्प्लॉयज को मुबारकबाद दी। यूनिवर्सिटी ऑफ सुपीरियर के वफद का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की ब्रीफिंग, पंजाब सेफ सिटीज और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के दरमियान शील्ड का तबादला। सियाहत के फरोग के लिए दो बड़े इदारों का इश्तराक, पंजाब सरमायाकारी बोर्ड टूरिज्म डेवलपमेंट में MOU साइन, CEO PBIT डॉक्टर अरफा, MD TDCP तनवीर जब्बार ने दस्तखत किए। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज, कदाफी स्टेडियम की सफाई सुथराई, LWMC का अमला स्टेडियम को लश पश करने के लिए इन एक्शन, तमाम इंप्लॉयर्स को धो डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर रंग और मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं असेंबली की खबर के साथ। आपको बताएंगे वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से खातीन अरकीन असेंबली ने अहम मुलाकातें की हैं। मुलाकात करने वालों में मोमिना वहीद, आसिया अमजद, आयशा नवाज और शाहीना करीम खोसा शामिल हैं। मुलाकात में फलाह आमा के मनसूबों, खातीन अरकीन असेंबली को मजीद बाख्तियार बनाने और मसाइल के हल के हवाले से बातचीत की गई। वजीर आला ने कहा नए पाकिस्तान में खातीन को इज्जत और एहतराम, तरक्की, खुद मुख्तारी और तहफ्फुज़ देंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से खवातीन अराकीन असम्बली ने मुलाकात की है। मुलाकात करने वालों में मोमिना वहीद, आसिया अमजद, आयशा नवाज और शाहीना करीम खोसा शामिल हैं। मुलाकात में फलाहियामा के मनसूबों, खवातीन अराकीन असम्बली को मजीद बाइख्तियार बनाने और मसाइल के हल के हवाले से बातचीत की गई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि नए पाकिस्तान में खवातीन को इज्जत और एहतराम और तहफ्फुज़ देंगे। तफसीलात लेते हैं रूबा उरूद से। रूबा बताइएगा इस मुलाकात में कौन कौन शरीक था। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब से मेंबर पंजाब असेंबली मोमिना वहीद, आसिया अमजद, आयशा नवाज और शाहीना करीम खोसा ने मुलाकात की है। चीफ विद पंजाब असेंबली MPA सैयद अब्बास अली शाह भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में फलाह आमा के मनसूबों, खवातीन अरकानी असेंबली को मजबूत बाइख्तियार बनाने और मसाइल के हवाले के हल के हवाले से बातचीत की गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब कहती हैं कि आप अरकान के जो मसाइल हैं वो तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। खवातीन अरकान असेंबली ने कहा कि अरकान असेंबली को इज्जत देने में वज़ीर-ए-आला पंजाब उनके मसाइल भी हल करते हैं, पेश पेश रहते हैं। इज्जत देने में हमें फख्र है कि पंजाब में आप जैसा वज़ीर आला है। अवाम के मसाइल के हल के लिए खवातीन अरकान असेंबली को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ये बयान दिया और कहा कि खवातीन के हकूक के तहफ्फुज़ और समाजी और माशी खुद मुख्तारी के लिए तारीख साज इकदाम किए गए हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने असम्बली को रबर स्टैंप से ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। अरकान असम्बली हमारे सर के ताज हैं, कोई माशरा खवातीन की अमली मैदान में शमूलियत के बगैर आगे बढ़ नहीं सकता। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रूबा अरूज आपका, आपने इस मुलाकात का हवाला बताया।